वक्फ बोर्ड का मामला अभी संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया है, लेकिन राजनीतिक दल बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो सूची जारी कर दें क्या? वक्फ बोर्ड जो अल्लाह को दी गई संपत्ति थी, जिस पर काम किया जाना था, उस पर महागठबंधन के नेतागण सार्वजनिक कर देंगे तो चेहरा बेनकाब हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पश्चिम बंगाल की स्थिति में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई थी जब पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करते छात्रों पर वाटर कैनन की बौछार की गई, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। पूरे देश में इस मुद्दे पर लगातार बवाल जारी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक विवादास्पद बयान सामने आया था, जिसमें वो कहती नजर आई थी कि अगर बंगाल जलेगा तो बाकी के राज्यों को भी जलना होगा। बिहार पर उन्होंने निशाना साधा था, जिस पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान नीरज कुमार का बड़ा बयान सामने आया है और सीधे कहा है कि अगर बिहार में कोई भी किसी तरीके की गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसे सीधे लाल घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। सीधे सीधे कहा कि बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरदस्त निशाना साधते नजर आए। क्या कुछ कहा, उनका ये बयान सुने। बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी, ये राजनीतिक टिप्पणी ऐसे दुष्कर्म के सवाल पर जिसने समाज को झकझोर दिया, देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति को अपनी टिप्पणी करनी पड़ी और आप राजनीतिक टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे हैं। अरे मूल विषय यह है कि जो दुष्कर्म का आरोपी है उसे मुकम्मल सजा जल्द से जल्द मिले, और बिहार इसमें मानक स्थापित किया है। ऐसे मामले में अररिया में घटना हुई थी, चंद घंटे के अंदर पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करके उसको आजीवन कारावास की सजा मिली। तो वो काम करना चाहिए। आप राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं कि बिहार जला देंगे। अरे बिहार को कौन जला देगा? बिहार में कानून का राज कायम है और बिहार में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द कायम है। यहाँ के लोग रामनवमी भी बेहतर तरीके से मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। गड़बड़ करिएगा लाल घर पहुंचा देंगे। किस दल से जुड़े हैं, किस संगठन से जुड़े, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप राजनीति और अब बिहार के बारे में, असम के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या टिप्पणी कर रही हैं आप? पश्चिम बंगाल को बचाना आपकी राजनीतिक जिम्मेवारी है। वहाँ के लोग अगर मानसिक रूप से परेशान हैं, अगर बेटी के साथ गलत हुआ है, तो स्वाभाविक है चिंता आपको इसकी करनी चाहिए। तो आप राजनीतिक चिंता कर रहे हैं, रैलियां, प्रदर्शन, क्या मतलब इसका है? इसका मतलब कि आपको शासन तंत्र पर आपकी पकड़ खत्म हो गई है, आप केवल वोट तंत्र में दिमाग लगा कर रखते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का यूनिक सेलिंग पॉइंट है कानून का राज, USP। कोई अब इसमें जनता समझौता नहीं करने वाली है, और यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम निकाल लीजिए तो महिलाओं का वोट सबसे ज़्यादा जनता दलियों को मिला। इसका मतलब बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो उसका तो राजनीतिक नतीजा। और बिहार जैसे राज्य में अब यहाँ के लोगों का टेस्ट है खेल अकादमी बनना, पुलिस भवन ने अकादमी बनना। बताइए तो पुलिस मुख्यालय पर हेलीकॉप्टर उतरने का प्रावधान कोई सोचता था? 5,000 बेड का PMCH हॉस्पिटल बन रहा, जब स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्रों को जा रही हैं, तो राज्य सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया, तो इसके इतने सुंदर नतीजे आ रहे हैं कि लोगों का टेस्ट बदल गया। अब टेस्ट वह नहीं है, बदहजमी के शिकार हो जाइएगा। वक्फ बोर्ड का मामला अभी संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया है, लेकिन राजनीतिक दल बयान देने से बाज नहीं आ रहे। तो सूची जारी कर दें क्या? वक्फ बोर्ड जो अल्लाह को दी गई संपत्ति थी, जिस पर काम किया जाना था, उस पर महागठबंधन के नेतागण
सार्वजनिक कर देंगे तो चेहरा बेनकाब हो जाएगा। किन किन लोगों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा करके मार्केट बनाया, आलिशान मॉल बनाया, फ्लैट बनाया, सबका सूची उपलब्ध है। कब्रिस्तान, दरगाह और ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर जिस ढंग का इन लोगों ने व्यवहार किया है 15 वर्षों के शासन काल में, वो उसने शर्मसार किया है। और दूसरी ओर माननीय नीतीश कुमार जी ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर 100 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन करके मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया, मार्केट बनाया, वहाँ पर हॉस्टल बना, मैरिज हॉल बना, तो मानक तो स्थापित कर दिया। आप कब्जा करते थे, हम भवन बना रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं कि हम वक्फ की संपत्ति की चिंता करते हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों को तो बेनकाब करिए, दल से बाहर करिए, जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करके और इनमें न्यायपालिका का मजाबता हस्तक्षेप हुआ है, तो इस पर तो बेचैन, इस पर तो जुबान नहीं खुलता है। नहीं तो हिम्मत है तो जारी करे कांग्रेस से लेकर के महागठबंधन के घटक दल कि कौन कौन लोग गुनाहगार हैं जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया, इसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे को लेकर भी लगातार बयानबाजियां तेज है और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ये बड़ा बयान देते नजर आए, बड़ा ऐलान कर रहे थे और कह रहे थे कि जिन लोगों ने भी वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन हड़प कर रखा है, मॉल बनवा कर रखे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा कर रखी हैं, उन सब के नाम का मैं खुलासा कर सकता हूं। और जो लोग लगातार वक्फ बोर्ड के मुद्दे को उठा रहे हैं, पहले अपने पार्टी से गड़बड़ करने वाले लोगों को, भ्रष्टाचार करने वालों को चिन्हित करे और उन पर कार्रवाई करे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर भी जबरदस्त निशाना साधा, पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर बयान देते नजर आ रहे थे। साथ ही साथ ये चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, अगर किसी ने कोशिश की कि बिहार की स्थिति वैसी की जाएगी या बिहार को जलाया जाएगा, वैसे लोगों को सीधे लाल घर भेजने का काम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में इस वक्त लगातार प्रदर्शन जारी है, ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग लगातार उठ रही है और हालात काफ़ी गंभीर नज़र आते हैं। जो तस्वीरें सामने आती हैं पश्चिम बंगाल से, बेहद गंभीर तस्वीरें सामने आती हैं, उसको लेकर देश भर में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। और इस मुद्दे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।